सच कहो तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है 19 अक्टूबर का, क्योंकि लोकेश कनकराज ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि लियो की शुरुआत के 10 मिनट आप बिल्कुल भी मिस मत करना, और जो लास्ट के 30-40 मिनट है उसमें हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो अब लोकेश कनकराज की इसी बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई उन्होंने इनडायरेक्टली कन्फर्म कर दिया कि लियो एलसीयू का पार्ट होने वाली है। पता नहीं वो इतने टाइम से इस बात को कन्फर्म क्यों नहीं कर रहे थे, शायद लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि लियो के बाद जो भी एलसीयू में मूवीज आने वाली है वो तो सबको पता ही है ना कि हाँ ये एलसीयू का पार्ट होने वाली है, लेकिन सिर्फ लियो ही एक ऐसी मूवी है जिसको लेकर सबको डाउट था। तो फिर लोकेश कनकराज को भी लगा होगा कि चलो मजे लेते हैं, और भाई सच बता रहा हूँ काफी कह के मजे लिए उन्होंने। चलो अब जो बीत गया उसे भूल जाते हैं और आगे फोकस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है एलसीयू में। देखो फिल्मी भाई और बहनों, लोकेश कनकराज लियो को एलसीयू से कनेक्ट करने वाला है ये तो उन्होंने कहीं ना कहीं कन्फर्म कर ही दिया, लेकिन वो लियो को एलसीयू की पिछली दो मूवीज यानी कि विक्रम और कैथी से किस किस वे में कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि लोकेश कनकराज का इमेजिनेशन लेवल तो हमसे काफी ज्यादा आगे है और हम उनके नाखून बराबर भी नहीं है, तो फिर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना है। तो फिल्मी भाई और बहनों, सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि लोकेश कनकराज लियो को कैथी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि लियो की स्टोरी दो फेसेस में चलने वाली है, पास्ट और प्रेजेंट। तो फिर प्रेजेंट की बात करें तो कैथी मूवी में हमें जो कांस्टेबल नेपोलियन का कैरेक्टर दिखाया गया था उसमें हमें ये दिखाया गया था कि वो कहीं से ट्रांसफर होकर आया था, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेपोलियन का ट्रांसफर जहां से हुआ उससे पहले भी वो हिमाचल में ड्यूटी पर हो। हमें लियो के ट्रेलर में जो ईमानदार पुलिस वाला दिखाया गया था शायद उसके पुलिस स्टेशन में नेपोलियन की ड्यूटी लगी हो। और अब बात करें लियो के पास्ट की, तो लियो के पास्ट में भी हमें नेपोलियन का कैरेक्टर दिख सकता है, क्योंकि कैथी मूवी में प्रेजेंट पे तुम ये देख सकते हो कि नेपोलियन की उम्र भी काफी हो चुकी है। तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि जब अपने जवानी के दिनों में नेपोलियन आंध्रा में किसी जेल में अपॉइंटेड हो गए, तब तुमको वो बताया ना लियो का दोस्त जो कि ना रेडी सॉन्ग में भी हमें दिखा था और ट्रेलर में भी उसकी एक झलक थी जो कि हमें जेल में दिखाया गया था, तो वहीं से नेपोलियन को लियो कितना बड़ा गैंगस्टर है वो उसी से पता चला हो। और लियो और कैथी के कनेक्शन की दूसरी थियोरी ये है कि कैथी में दिल्ली कहता है ना कि उसकी बीवी को मार दिया और उसे भी जेल में डलवा दिया, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में दिल्ली भी लियो की तरह ही हारोल्ड दास और एंटोनी दास के लिए काम करता हो और वो भी इस तरह पास्ट में काफी बड़ा गैंगस्टर रहा होगा, क्योंकि वो खुद कैथी में कहता है ना कि आप सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, लेकिन उससे पहले क्या करता था ये आप नहीं जानते। तो वो 10 साल पहले दास एंड को फैक्ट्री में काम करता होगा और वहां पे जब उसने छोड़ने की इच्छा जताई तो उसकी बीवी को मार दिया और उसे भी जेल में डलवा दिया, तो शायद दिल्ली लियो के काफी करीब होगा इसलिए ये नाइंसाफी देखकर लियो ने भी उस गैंग को छोड़ दिया। ये वाली फैन थियरी हमारी गलत भी निकल सकती है, क्योंकि प्रेजेंट में लियो की जो बेटी है वो 10 साल की है, लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया इस लड़के को लियो का बेटा बताया जा रहा है, और अगर ये सच में लियो का बेटा है तो हमारी वो फैन थियरी गलत भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि शादी और बेटा होने के बाद लियो ने गैंग को छोड़ा हो, जब उसकी बेटी हुई तब उसको एहसास हुआ हो कि अब गैंग को छोड़ देना चाहिए। और अब मैं तुम्हें मेरे माइंड में क्रिएट हुआ एक सीन बताना चाहता हूँ, अगर ये सीन लियो में हुआ तो फिर मजा ही आ जाएगा भाई। तो सीन कुछ ऐसा है ना कि अगर लियो की स्टोरी पहले प्रेजेंट में फिर पास्ट में और फिर से प्रेजेंट में आने वाली है, तो लियो का दोस्त जो कि पास्ट में जेल में गया था वो अभी तक प्रेजेंट तक भी जेल में ही है, और फिर वो हमें या पुलिस को बताए कि लियो पास्ट में कितना बड़ा गैंगस्टर रहा हो और वहाँ पर ही जेल में हमें कैदियों के तौर पर दिल्ली को दिखाया जाए, तो फिर वो क्या सीन होगा। नहीं, और अब इसकी पॉसिबिलिटीज तो काफी कम नजर आ रही है, लेकिन ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो तुम्हें बता दिया। तो ये तो हुई लियो और कैथी के कनेक्शन की बात, तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकेश कनकराज लियो को विक्रम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। देखो लोकेश कनकराज ने विक्रम को कैथी के साथ एकदम स्ट्रांग तरीके से जोड़ा था, और कैथी का एक पूरा का पूरा कैरेक्टर प्रभंजन हमें पूरी विक्रम मूवी में दिखाया गया था, तो उसी कैरेक्टर प्रभंजन को लोकेश कनकराज लियो मूवी में भी दिखा सकते हैं, और वो कैसे दिखाएंगे वो लोकेश कनकराज ही जाने। उस कैरेक्टर को शायद से प्रेजेंट में दिखाएंगे टीम ईगल का मेंबर बनाए हुए, और ये टीम ईगल मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, वैसे विक्रम मूवी में ऐसा कोई नाम था नहीं। प्रभंजन को पार्थी की हेल्प करते हुए दिखाया जा सकता है, लेकिन जब वो लियो था उस टाइम पे अगर प्रभंजन को दिखाना होगा तो उसका ज्यादा कुछ सेंस बनेगा नहीं, लेकिन क्या पता डायरेक्टर लोकेश कनकराज है, वो बंदा अपने जवानी के दिनों से मूवीज की स्टोरियां लिख रहा है। वैसे तो वो अभी जवान है, वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ कॉलीवुड, लेकिन उन्होंने लियो की स्टोरी 10 साल पहले लिखी थी भाई, तो अब इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो वो क्या नहीं कर सकते। तो चलो अब आगे बात करते हैं कि लियो मूवी में हमें अमर का कैमियो देखने को मिल सकता है या नहीं। बिल्कुल देखने को मिल सकता है अगर लोकेश कनकराज की इच्छा हुई तो, लेकिन वो उसे कैसे दिखाएंगे वो तुम्हारा भाई बताएगा। विक्रम मूवी में हमें एजेंट अमर को लेकर जितनी भी जानकारी मिली है उससे हमें यही पता चला है कि अमर इन्वेस्टिगेशन करता है उन केस की जिनको की पुलिस या CBI सॉल्व नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट के स्लीपर सेल्स की तरह, और वो हमेशा किसी एक सिटी या स्टेट में स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि क्राइम कहीं भी हो सकता है। अगर लियो के प्रेजेंट में चल रही स्टोरी विक्रम मूवी से भी पहले की है, यानी कि जब अमर विक्रम की टीम में शामिल नहीं हुआ था तब की स्टोरी है, तो हिमाचल में जो सीरियल किलर दिखाया गया है उसको पकड़ने का मिशन अमर को सौंपा जा सकता है, या फिर उसे उस मिशन से रिप्लेस भी किया जा सकता है, क्योंकि उसको तो लियो मारेगा ना। ये बात समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो। और अब अगर अमर को लियो के पास्ट में दिखाना है, जब लियो हारोल्ड दास और एंटोनी दास के साथ काम करता था तो उसे वहां पर भी दिखा सकते हैं, जैसे विक्रम मूवी में चंदन रोलेक्स के लिए काम करता था वैसे लियो में भी हारोल्ड दास और एंटोनी दास रोलेक्स के लिए काम करते होंगे शायद।
क्योंकि खुद रोलेक्स ने कहा है ना कि 27 साल लगे उसे ये साम्राज्य बनाने में, तो उसके शुरुआत के दिनों में काम करते होंगे हारोल्ड दास और एंटोनी दास। जब भी विक्रम मूवी में चंदन के पास रोलेक्स का फोन आता था वो कैसे डर जाता था, वैसे ट्रेलर में हमें एक सीन दिखाया गया जहाँ पर हारोल्ड दास की आंखें नम है और वो बेचारा डरा हुआ है, तो शायद उसे रोलेक्स साहब का फोन आया हो। जैसे विक्रम में हमें चंदन को मरता हुआ दिखाया गया है, वैसे ही एंटोनी दास को भी लियो में लोकेश कनगराज मरवा ही देंगे, क्योंकि जब तक उनकी मूवीज में कोई मरता नहीं है उस आदमी को चैन नहीं पड़ता है। हाँ, तो एंटोनी दास को मारने के बाद लियो उनकी ड्रग्स की फैक्ट्री को भी उड़ा देगा, जो कि हम ट्रेलर में साफ साफ देख भी सकते हैं। तो अब ड्रग्स की फैक्ट्री उड़ने के बाद उसे रोलेक्स का फोन आएगा ही ना। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट सुनो, रोलेक्स भी लाइक साला 27 साल लगे मुझे ये साम्राज्य बनाने में, और ये कौन कौन आके उड़ाया जा रहा है, मतलब कि गली गली में सुपर हीरोज पैदा हो रहा है। वहाँ पे विक्रम ने उसकी बजा के रखी है और वहाँ पे दिल्ली की वजह से ड्रग बस्ट हो रहा है। लेकिन भाई ये तो रही मजाक की बात, लेकिन जब एलसीयू में एंड गेम टाइप कुछ होगा ना तब रोलेक्स सबकी बजाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लियो मूवी में विक्रम मूवी से और कौन कौन से कैमियोज या हिंट मिल सकती है हमें। लोकेश कनगराज लियो में अमर का कैमियो कैसे दिखा सकते हैं उस पर बात करने के बाद अब बात करते हैं कि एजेंट टीना का कैमियो वो कैसे दिखाएंगे लियो मूवी में। देखो, विक्रम मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि मिशन फेल होने के बाद सभी एजेंट को मरा हुआ घोषित करके उनको मार दिया गया, और उसमें से 4 की बॉडीज अभी तक नहीं मिली, जिसमें से एक विक्रम, एजेंट टीना और बाकी 2 एजेंट्स, जिसमें से एक ने खुद का जिम खोल लिया और दूसरा टैक्सी चलाने लगा और बेचारे लास्ट में मर भी गए। हाँ, तो विक्रम के घर में रोकरानी का काम करने से पहले एजेंट टीना कहा थी शायद हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कश्मीर शेड्यूल से भी एजेंट टीना का रोल करने वाले एक्ट्रेस का फोटो सामने आया है ना। और अब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लोकेश कनगराज शूटिंग करने कश्मीर में गए लेकिन मूवी में उसे हिमाचल प्रदेश दिखाया गया है, अब क्यों ये तो वही जानते हैं। और अब बात करते हैं कि लोकेश कनगराज लियो में हमें हम सबके फेवरेट एजेंट विक्रम का रेफरेंस कैसे दिखा सकते हैं। देखो, 1991 में मिशन फेल होने के बाद तभी से विक्रम अंडरग्राउंड था, और लियो मूवी की स्टोरी भी प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट में भी चलने वाली है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि विक्रम जब से अंडरग्राउंड था तभी से वो हारोल्ड दास और एंटोनी दास और लियो का जो गैंग है उसका पीछा कर रहा हो या फिर उन्हें ट्रेस कर रहा हो। विक्रम मूवी में हमें दिखाया गया है कि प्रभंजन यानी कि विक्रम का बेटा उसे ऑर्फनेज से घर लेकर आता है, तब वो ऑर्फनेज में भी खाली तो नहीं बैठा होगा, आफ्टर ऑल वो एक एजेंट है यार। तो इस तरह लियो मूवी में हमें एजेंट विक्रम का रेफरेंस मिल सकता है। और अब बात करें रोलेक्स की, तो मैंने तुम्हें जो पिछली थियरी बताई थी कि रोलेक्स का कॉल आता है, हमें सिर्फ उतना ही देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा कैमियो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकेश कनगराज अपने सबसे फेमस कैरेक्टर की हाइप इस तरह कम तो नहीं करेंगे। और अब मैंने इस वीडियो में तुम्हें जितनी भी पॉसिबिलिटीज बताई है उनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज ही सही होती हुई दिखाई देंगी, सबका कैमियो तो नहीं दिखा देंगे ना वो। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कल के दिन का, क्योंकि कल सभी रात से पर्दा हटने वाला है। अब तुम्हें क्या लगता है कि कौन कौन से कैमियोज या रेफरेंसेज मिल सकते हैं हमें लियो मूवी में, तुम अपने थियरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा तुमने, नहीं किया तो कर दो। मैं मिलता तुमसे अगले वीडियो में, बाय।